नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय। आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए एक्साइटिंग वीडियो में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, इससे ये है Vivo V9 Youth। तो दोस्तों, इस फोन में क्या क्या नए नए फीचर्स है और ये कैसे परफॉर्म करता है, ये सब कुछ देखने के लिए बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये रहा हमारा बॉक्स, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर Vivo नाम लिखा गया है और नीचे V9 Youth, ये परफेक्ट शॉट परफेक्ट व्यू। तो दोस्तों, काफ़ी कमाल का टैगलाइन दिया गया है दोस्तों इस प्रोडक्ट का। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन का फ्रंट व्यू, यहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको 4 की फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। ये फुल व्यू डिस्प्ले है दोस्तों और ड्यूअल कैमरा भी है। इसमें आपको 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिल जाएगा और 4GB की रैम के साथ आता है। तो दोस्तों, चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला आपको एक इस तरह का बॉक्स देखने को मिल जाएगा। इस बॉक्स के अंदर आपको एक प्रोटेक्टिव केस देखने को मिल जाएगा फ़ोन के लिए और यहाँ पर आपको सारी सिम इंजेक्टर टूल्स एंड पेपर वर्क से डॉक्यूमेंट्री सब कुछ आप देख सकते हैं। तो इसे साइड में रखते हैं, फ़ोन को उतारते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा फ़ोन का कवर निकल गया है। ये काफ़ी कूल है दोस्तों हैंड्स में। ये ब्लैक एंड गोल्ड एडिशन का है दोस्तों, Vivo V9 Youth। यहाँ पर काफ़ी कमाल का है, ये भी बाद में देखते हैं। तो दोस्तों, और बॉक्स में आपको इस तरह का चार्जिंग अडाप्टर देखने को मिल जाएगा और USB केबल भी दिया गया है दोस्तों। इसमें आपको हेडफोन्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये सब कुछ साइड में रख के फ़ोन को ऑन करके इसका परफॉर्मेंस कैसा है वो देखो। दोस्तों, ये रहा हमारा फ़ोन, मैं ऑलरेडी ऑन कर चुका हूँ, सारी सेटिंग्स को एक्सेस कर चुका हूँ। तो दोस्तों, इस तरह आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। काफ़ी कमाल का डिस्प्ले है दोस्तों, 19:9 रेशियो के साथ आता है और इसमें आपको एक ऊपर नॉच भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, फिजिकल एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ब्लैक एंड गोल्ड एडिशन के साथ आता है ये V9 Youth। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको स्पीकर एंड चार्जिंग करने के लिए USB पोर्ट एंड हेडफोन्स की जैक यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ड्यूअल कैमरा दिया गया है दोस्तों, एक 16 मेगापिक्सल का है और 2 मेगापिक्सल का है। यहाँ पर फ्रंट फेसिंग आपको 16 मेगापिक्सल के साथ आता है। तो चलिए इसके कैमरा को टेस्ट करते हैं। इसमें काफ़ी सारे मोड्स दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको मैं एक फ़ोटो एक्सपीरियंस करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, काफ़ी कमाल का शॉट लिया गया है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बोके शॉट है दोस्तों। यहाँ पर आपको बैकग्राउंड जो है वो ब्लर कर सकते हैं और आप अच्छी तरह फ़ोटोज़ ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह इस फ़ोन में काफ़ी कूल फीचर्स है दोस्तों। इसमें आपको 3260 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी और 4GB रैम के साथ एंड 32GB इंटरनल मेमोरी के साथ देखने को मिल जाएगा। ये आपको अप टू 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, और एक विशेष बात यह है कि दोस्तों, इसमें फेस अनलॉकिंग सिस्टम भी दिया गया है दोस्तों। ये काफ़ी एक्यूरेट से काम करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी फास्ट है दोस्तों और इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है, ये भी काफ़ी एक्यूरेट है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की काफ़ी स्पीड है दोस्तों, काफ़ी कमाल का फ़ोन है दोस्तों। तो चलिए, इसमें एक और नया फीचर भी है दोस्तों, गेमिंग मोड। तो दोस्तों, इस मोड को ऑन करेंगे तो आपको काफ़ी सारा गेमिंग एक्सपीरियंस आप बेटर तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये फीचर कैसे काम करता है चलिए देखते हैं। तो आपको पहले आपको सेटिंग्स में जाके यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर गेमिंग मोड दिया गया है। इसको ऑन करेंगे तो आप जब भी गेम खेलते समय आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा दोस्तों, कोई भी इनकमिंग कॉल्स एंड मैसेजेस आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को बेटर लेवल तक ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए प्रोटेक्टिव केस लगाते हैं। तो दोस्तों, ये प्रोटेक्टिव केस काफ़ी कूल है दोस्तों। आप चार्जिंग कंप्लीट करने के बाद इस तरह ये कैप भी लगा सकते हैं पोर्ट को। तो चलिए, इसके एबोट फ़ोन में जाके और क्या क्या फीचर्स है वो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आपको एबोट फ़ोन में जाना हो तो यहाँ पर आपको मोर सेटिंग्स में टैप करना होगा और मोर सेटिंग्स में टैप करने के बाद आपको एबोट फ़ोन में टैप करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रंट टच की OS ऑपरेटिंग सिस्टम के आप देख सकते हैं, जैसे कि रेडमी में MIUI सिस्टम जो है वहाँ पर Vivo में आपको फ्रंट टच OS सिस्टम देखने को मिल जाएगा। ये एंड्रॉयड 8.1 ओरियो में चलता है दोस्तों, ओरियो वर्जन में। और इसमें आपको काफ़ी कूल फीचर्स दिया गया है दोस्तों। इसमें आपको वीडियो एंड ऑडियो एक्सपीरियंस आप बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए एक वीडियो को प्ले करके देखते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं काफ़ी वाइड डिस्प्ले है, काफ़ी म्यूजिक ऑडियो भी काफ़ी कूल है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। काफ़ी कमाल का एक्सपीरियंस है दोस्तों।
तो दोस्तों ये अराउंड 19,990 रुपीस में आप देखने को मिल जाएगा। काफ़ी कूल फ़ोन है दोस्तों। का रिव्यू, काफी कमाल का फोन है दोस्तों। ये अराउंड 19,990 रुपीस में प्राइस टैग के साथ देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ, एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर मोर टेक अपडेट्स के लिए। तब तक मैं हूँ आपका प्यार।